हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं पैराकेन आई ड्रॉप के बारे में। बेसिकली हम देखेंगे ये जो पैराकेन आई ड्रॉप है, हम आँख के किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं और डोज क्या रहती है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, टॉपिकली यूज़ करते हैं, देन इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है। इस ड्रॉप को हम टॉपिकली यूज़ करते हैं। ये क्या हमारी एक तरह की लोकल एनिस्थीसिया है, जो कि हमारी आँख में डलने के बाद आँख को क्या है, सुन कर देती है। अगर हमारी आँख में कोई भी फॉरेन बॉडी गिर जाती है, देन उस कंडीशन में क्या है, डॉक्टर इस ड्रॉप को डालकर फॉरेन बॉडी को ईजिली रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी आँख में क्या है, पेशेंट को आँख में पेन फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता है कि आँख में दर्द हो रहा हो। ईजिली हम कोई भी फॉरेन बॉडी निकाल सकते हैं और इसका यूज़ हम काफ़ी आँख के डायग्नोस्टिक के प्रोसीजर में हम इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे हैं। लाइक आपका अगर हम एप्लानेशन टोनोमीटर करते हैं, देन उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। अगर हम एप्लानेशन टोनोमीटर करते हैं या फिर श्योर्स टोनोमीटर करते हैं, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे आँख के काफ़ी डायग्नोस के जो प्रोसीजर होते हैं, चेकअप के जो प्रोसीजर होते हैं, देन उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। अगर डालने के बाद क्या है, ये क्या है, पीपल को फैलाता नहीं है, देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस थोड़ी देर आपको 10 से 20 मिनट ऐसा लगता है जैसे आँख हमारी सुन हो गई है, और उसके 20 मिनट के बाद आपकी आँख जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इसको डालने के बाद ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि ये हाई डोज की ड्रॉप नहीं है। सो अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे कंटेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या हमारा ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन यूएसपी 0.5% पैराकेन है। इसके कंपोजिशन की बात करूं तो प्रो पैराकेन हाइड्रोक्लोराइड यूएसपी 0.5% वॉल्यूम वेट, क्लोरोब्यूटोल आईपी इंडियन फार्माकोपिया 0.5% वॉल्यूम वेट, हैज़ प्रिजर्वेटिव, एक्वस बेस होता है ये। इसका इंडिकेशन क्या है, टू वी यूज़ फॉर टॉपिकली ऑकुलर एनिस्थीसिया ओनली। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो टॉपिकली करते हैं। ऑकुलर का मीन्स है यहाँ पे आँख में टॉपिकली इसका यूज़ करते हैं, आँख को सुन करने के लिए। इसका जो यूज़ होता है केवल और केवल आँख को सुन करने के लिए होता है, किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए नहीं होता। अगर इसकी डोजेस की बात करें तो 1 से 2 ड्रॉप आपको एवरी 5 to 10 मिनट्स और एज डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन एज पर नीड बिफोर प्रोसीजर। इसको प्रोसीजर से यूज़ करने से पहले आपको 1 से 2 ड्रॉप 15 से 20 मिनट तक आपको यूज़ करनी है, और अपने फिजिशियन के ही अकॉर्डिंग इसको यूज़ करिएगा। स्टोर इसको क्या है, आपको कीप इन कूल डार्क प्लेस। इसको क्या, जो आपको रखना है वो ठंडे और डार्क प्लेस पर रखना है इसको। इसका जो यूज़ होता है फॉर एक्सटर्नली यूज़, नॉट फॉर इंजेक्शन। इसका जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नली होता है, लाइक आपका टॉपिकली इसको यूज़ करते हैं, इसका इंजेक्शन फॉर्म में इसका यूज़ नहीं होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ साइड इफ़ेक्ट की, डोजेज मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसको लाइट ब्लर विज़न हो सकता है, आँख से पानी भी आ सकता है, इसका कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। डोज़ 1 से 2 ड्रॉप आप 10 से 20 मिनट के बाद इसको डाल लीजिएगा। इसका जो एक्शन जो रहता है, इसका इफ़ेक्ट जो रहता है आँख में, 10 से 20 मिनट तक रहता है। अब इसके बात करूँ वर्क कैसे करती है, ये जो वर्क करती है वो क्या करती है, हमारा जो पेन आँख में जो पेन होता है ना, उसके जो सिग्नल को क्या एक तरह से ब्लॉक कर देती है, इससे हमें आँख में पेन फील नहीं होता है, ऐसा नहीं लगता हमारे आँख में दर्द हो रहा हो, ये पूरा उसे एक तरह से सुन्न कर देती है आँख को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।